क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर थ्री नंबर, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर एक वक्र का समीकरण दिया है, वक्रों के कुल का अवकल समीकरण है, निर्मित कीजिए। जहाँ हमें यहाँ पे अवकल समीकरण इसका निर्मित करना है, यहाँ पे वक्र का समीकरण दिया है, इससे हमें इसका अवकल समीकरण निर्मित करना है वक्रों के कुल का, जहाँ ए क्या है, श्वेत चर है। तो श्वेत चर एक ही है इसमें, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ना दिया है वक्र का समीकरण। तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना होगा ना हमें यहाँ। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ पर देखो क्या कर लेते हैं, इसे इसमें और सिंपल कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का टू वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा प्लस का टू ए एक्स हो जाएगा, इधर के प्लस का। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर टू ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ, पहले मैं निकाल लेता हूँ, आगे यूज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर और बाई में आपका एक्स, समझे ना, ये चला जाएगा डिवाइड में। तो ये टू ए का वैल्यू आगे हम लोग यूज करने वाले, इसलिए मैंने कर लिया यहाँ पे पहले ही। डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा इसका, टू एक्स प्लस फोर वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स लिखो, या वाई डैश भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इक्वल टू में इधर टू ए हो जाएगा। अब टू ए का वैल्यू ये यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा यहाँ से। और इसमें देखो ना आप टू टू ए का वैल्यू रख देते हैं, और इसमें से आप कॉमन कर सकते, छोड़ो ना कॉमन बाद में देखा जाएगा, टू एक्स प्लस फोर वाई इंटू में वाई डैश इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर बाई एक्स, ये ना हो जाएगा, इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा। तो फोर वाई इंटू में वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर बाई में एक्स माइनस का टू एक्स, यहाँ पर फोर वाई वाई डैश इक्वल टू में इधर एलसीएम लेते हैं एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का टू वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग डिवाइड में लेके चल जाते हैं, तो वाई डैश इक्वल टू यहाँ पर देखो ऊपर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, टू वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बाई में फोर एक्स वाई, ये आपके अवकल अवकल समीकरण आ जाएगा, वक्रों के कुल का अवकल समीकरण आ जाएगा, समझ गए। चलिए फोर नंबर को